दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल वीजीएफएक्स पर। दोस्तों अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक बैनर के बारे में कि कैसे हम किसी बैनर को यूज करते हैं। आइए देखते हैं हम कैसे बैनर को यूज करते हैं, और इस बैनर का डिस्क्रिप्शन लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है दोस्तों, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और थंबनेल्स बना सकते हैं अपना। दोस्तों ये बैनर हमारे सामने है और इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ रेडीमेड बैनर के अंदर टेम्पलेट्स के अंदर कैसे हम वीडियो डालते हैं और थंबनेल बनाते हैं। ये देखिए मैं अपना एक फोटो इसमें से उठा रहा हूँ, ये मैंने फोटो उठा लिया अपना ये वाला, और इसको हम ओपन कर लेते हैं। यहां से हमने क्या करना है, कंट्रोल एल किया मैंने और इसको मैंने किया है कॉपी, कंट्रोल सी और W कर दिया, नो कर दिया इसको, और यहाँ पे उठा के ले आया हूं मैं इस पोर्शन पे। यहाँ पे क्या करना है, हम जूम कर लेते हैं इसको, ये देखिए, और इस टाइप से हमने इसको कर लिया है। अब हमें करना क्या है कि हमें इस बैनर को इमेजेस के अंदर डालना है, यानी कि इमेज के अंदर डालना है किसी के भी। अब ये आप देख सकते हैं ये हमारे इस टाइप पे आ गया, ये आपकी इमेज यहाँ आ गई है, ये है इमेज आपकी। तो इसको मैं डाउन कर लेता हूँ, ये देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे ठीक मैं इस इमेज पे के ऊपर ला देता हूँ ये इस टाइप से, यानी कि ये मैंने किया और ये इसको मैं ले आया कंट्रोल के साथ यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे सेट हो गया। अब सवाल ये होता है कि आप इसको कैसे मॉडिफाई करेंगे, यानी कि अगर इसके अंदर चेंज करना चाहते हैं तो कैसे चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए क्या जरूरी होता है, हमें कंट्रोल टी प्रेस करना पड़ेगा इस पे, इमेज पे क्लिक करके कंट्रोल टी, और इस तरह से हमें सेटिंग करनी पड़ेगी। ये यहाँ पे हम करेंगे इसको कलर को थोड़ा सा इस टाइप से, कंट्रोल एल प्रेस करेंगे, इस टाइप से कंट्रोल एम प्रेस करेंगे, ये देखिए, और यहां पे हमें लिखना है जैसे कि आपको सिर्फ सिंपली सिलेक्ट करना है इस साइड से हर चीज को, ये लिखना है हमें कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन, कंप्यूटर EDS 8 9, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन रेशन, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं इस टाइप से, ये देखिए यहां से मैं कंट्रोल टी कर रहा हूं और थोड़ा सा इसको बोल्ड कर दिया है, इसको मैंने यहां से कर दिया 80%, और थोड़ा सा इसका मैंने साइज बढ़ा दिया इस टाइप से, वी प्रेस करेंगे और मैंने इसको ऊपर ले लिया है। इसका थोड़ा सा हम फॉन्ट चेंज कर देते हैं, ये देखिए, और इसका हम कर देते हैं कलर थोड़ा सा रेड, ये ले लिया हमने, और इसको हम कर देते हैं ब्लैक इस टाइप से। अब क्या करना है आपको, ये आपकी स्टेटमेंट है, यहां से चेंज करना है यहां से, यानी कि आपको इस पॉइंट को चेंज करना है यहां पे सबटाइटल जो है, तो सबटाइटल चेंज करने के लिए कंट्रोल टी करेंगे और ये यहां पे हम लिख देंगे, यहां पे देखिए फॉन्ट सेम चेंज हो रहा है, वेरी चीप प्राइस, ठीक है। इस सारी चीजों को हम डिलीट कर लेते हैं या यहां पे लिख देते हैं लर्न वीडियो एडिटिंग वेडिंग वीडियो एडिटिंग इन हिंदी मोशन
ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है, ये हमने लिख दिया है। और इसको हम कंट्रोल टी करते हैं और इसका थोड़ा सा हम फॉन्ट साइज जूम कर देते हैं इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पे आपने कंट्रोल टी करना है, टी प्रेस करना है ओनली, और यहाँ पे आपने दे देना है इस टाइप से ये। यहाँ पे आपका आता है बुक, जहाँ से आप बुक करना चाहते हैं ये, यहाँ पे आपने जाना है और यहाँ से आपने कर देना है ओके ऑल VGFX या कोई भी चीज आप दे सकते हैं। मैं अपनी साइट का नाम दे रहा हूँ allvgfx.com। यहाँ पे आपने फॉन्ट चेंज करना है एरियल, इस टाइप से कर दीजिए और इसका फॉन्ट आप थोड़ा सा चेंज कर दीजिए ताकि ये दिखे। ये देखिए दोस्तों, आपका शानदार बैनर बन गया है। और यहां से हम अपना साइट दे देते हैं यहां पे भी allvgfx.com, ठीक है। यहाँ पे भी साइड दे दिए, यहाँ पे भी आप कुछ भी लिख सकते हैं। और इसको थोड़ा सा मैं बोल्ड कर देता हूँ क्योंकि ये एक हाईलाइट चीज है ताकि आपको नजर आए। और इसका फॉन्ट थोड़ा सा चेंज कर दीजिए ताकि ये चीज आपकी नजर में रहे। तो मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ इस टाइप से। ये देखिए, ये आपका एक शानदार बैनर तैयार हो गया है ना। इस तरह आप अपना बैनर बना सकते हैं दोस्तों। इसका डाउनलोड लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा ताकि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए और ला सकूं। और मैं एक दिन लाइव स्ट्रीम होऊंगा आपके सामने, जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप मुझे बता सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। सो प्लीज कीप वॉचिंग माई ट्यूटोरियल ऑन द YouTube चैनल।